ग्वालियर से बड़ी खबर, दुष्कर्म के आरोप के बाद आरक्षक बर्खास्त। एसपी ने आरक्षक कुलदीप को बर्खास्त किया। छह दिन पहले दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी हुई थी। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर दुष्कर्म के बाद आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। एसपी ने आरक्षक कुलदीप को बर्खास्त किया। छह दिन पहले दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी हुई थी। ग्वालियर से बड़ी खबर, दुष्कर्म के आरोप के बाद आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। एसपी ने आरक्षक कुलदीप को बर्खास्त किया। छह दिन पहले दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी हुई थी। ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरक्षक के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दुष्कर्म के आरोप के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया है। एसपी ने आरक्षक कुलदीप को बर्खास्त कर दिया है। छह दिन पहले दुष्कर्म मामले में कुलदीप की गिरफ्तारी हुई थी। दुष्कर्म के आरोप में अब आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। एसपी ने आरक्षक कुलदीप पर यह कार्रवाई की है। आरक्षक कुलदीप को बर्खास्त किया गया है। छह दिन पहले दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी हुई थी। दुष्कर्म के आरोप के बाद आरक्षक बर्खास्त कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एमपी यात्रा प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जेपी नड्डा अपने इस दौरे के दौरान भोपाल और जबलपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने बयान से कई संदेश दिए, जिससे साफ है कि पार्टी आगामी चुनाव को कितना महत्व दे रही है। हालांकि कांग्रेस नड्डा की नसीहत का प्रदेश बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने का दावा कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भोपाल से लेकर जबलपुर तक पार्टी की बैठकें की। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई संदेश भी दिए, साथ ही पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें भी की, यानी कि पार्टी का फीडबैक लिया। जेपी नड्डा की बैठकों और संदेशों से ये साफ है कि पार्टी के लिए नेता नहीं बल्कि चुनाव में जीत महत्वपूर्ण है। कोर कमेटी में सामूहिक निर्णय लेने को कहा, नौकरशाही को कंट्रोल करने की भी बात कही, सरकार की इमेज क्लीन रहे इस पर जोर दिया, नगरीय निकाय चुनाव में भी प्रत्याशियों की स्वच्छ छवि पर जोर दिया। नड्डा ने साफ संकेत दिया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं के परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान को बताया एमपी का मजबूत पेड़, एमपी के विकास को लेकर सीएम की प्रशंसा भी की, मंत्रियों को महत्व दिए जाने के लिए कहा। लेकिन जेपी नड्डा के दौरे पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि जेपी नड्डा की किसी नसीहत का प्रदेश बीजेपी के नेताओं पर कोई असर नहीं होने वाला। नड्डा जी की नसीहत का कोई असर नहीं आने वाला। असर तो ये देखने को मिला है कि विधायक खुद ही भ्रष्टाचार की परतें खोलने लगे हैं भाजपा के। तो ये सारी की सारी चीज़ें जनता के भी सामने हैं और भाजपा को भी समझ में आ रहा है कि वो कितनी ही नसीहतें अपने नेताओं को दे दें, कितनी ही नसीहतों पर अमल कर लें, लेकिन जब तक जनता के मुद्दों को, परेशानियों को दूर नहीं करेंगे, जनता के मुद्दों को नहीं सुनेंगे, तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला है। कथनी जेपी नड्डा यूं तो कम बोलने वाले नेताओं में शुमार किए जाते हैं, लेकिन प्रदेश प्रवास के दौरान पत्रकार वार्ता हो या बैठकें, नड्डा ने खुलकर अपनी बात कही। नेताओं को भी साफ तौर पर हिदायत दे दी कि संगठन में कार्यकर्ता ही पहले हैं, इसलिए किसी को भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों मध्य प्रदेश प्रवास पर हैं। भाजपा नेताओं को नड्डा कई नसीहतें दे रहे हैं। नेताओं का परिवारवाद नहीं चलेगा, इसके साथ ही प्रदेश में अफसरशाही हावी ना हो, इसे लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर मैसेज दे दिया है। मंत्रियों को कैसे काम करना है और कोर कमेटी को कैसे निर्णय करना है, ये भी उन्होंने बता दिया है। स्वाभाविक रूप से नड्डा का ये दौरा नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा के नेता नड्डा की नसीहतों से क्या सीखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो में सिमांशु के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।